गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। देखिए, रेलवे असिस्टेंट, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा असिस्टेंट लोको पायलट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लगातार आपके साथ में क्रम जारी है। फिर से आपकी डिस्प्ले पर 4 क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, चारों क्वेश्चनों का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है, उसके साथ साथ बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन की विशेषता यह है कि केवल और केवल सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा कैसे करना है। एक वृत्ताकार मैदान की जो त्रिज्या है वो 56 मीटर है, कहने का मतलब है कि वृत्ताकार मैदान ये है 56 मीटर, ये त्रिज्या हो गई 56 मीटर, और उसके साथ साथ बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ऐसे बराबर होगा। ये चित्र थोड़ा अलग है, 7 मीटर ये चौड़ा रास्ता है, चारों ओर समानता से होगा, यहाँ चित्र थोड़ा अलग बन रहा है। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना है, ना बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन इस बीच का सड़क का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है, इतना ये दिया। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो देखो यहाँ से अगर हम शो कर दें तो ये वृत्ताकार केंद्र वो है, ये ए है, ये बी है। तो त्रिज्या अगर देखा जाए अंदर की, तो आर बराबर ओ ए बराबर हो जाएगा 56 मीटर, और यहाँ से अगर ओ बी देखी जाए तो ये कैपिटल आर मान लो, तो ओ बी बराबर हो गई 56 में हम 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 63 मीटर। ठीक, अब आपको सड़क की केवल चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो वी नो दैट हम जानते हैं सड़क की चौड़ाई बराबर, या वृत्ताकार सड़क की चौड़ाई बराबर, ये जो बड़ा वृत्त बन रहा है यहाँ से 63 मीटर वाली त्रिज्या का, उस क्षेत्रफल से अगर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाए 56 मीटर वाली त्रिज्या वाले का, तो ये बीच का मान बच जाएगा। तो सूत्र को कैसे तैयार कर लोगे, पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला और माइनस के पाई आर स्क्वायर स्मॉल वाला। अब यहाँ से देखिए पाई पाई दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर, और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर, सूत्र से क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस का बी, तो ये हो जाएगा आर प्लस के आर और एक कोष्टक में आर माइनस के आर। तो देखो एक बार, पाई का मान आप परंपरागत जानते हैं 22/7, तो आर प्लस आर का मान अगर देखा जाए तो कैपिटल आर आपकी ऑलरेडी 63 है, और इसमें 7 जुड़ेगा, यानी कि स्मॉल एल का मान 56 जुड़ेगा, स्मॉल आर का मान जो है वो 56 जुड़ेगा, और यहाँ पर आप कैपिटल आर लिए हैं 63 और स्मॉल आर है 56, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 22/7 639 6511 119, और यहाँ 63 में से 56 जाएगा तो 7 ही बचेगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 119 का आपको गुणित 22 करना है, तो इसीलिए यहाँ देख लेते हैं 119 गुणित के 22, दोने 18, 11 दूनी 22 और 1 23, अब सेम संख्या है तो फिर से 238 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए 8 8 3 11 11, इनके एक हाथ में आया 1 3 2 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 2618 वर्ग मीटर। तो क्या देखा, ऐसा कोई विकल्प आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, क्षेत्र मिति से है ये क्वेश्चन। वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 थी, उसके साथ साथ बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क थी, तो सड़क का क्षेत्रफल निकालने को कभी कहा जाए, तो कैपिटल का यहाँ पर एक आर हो जाएगा और अंदर के वृत्त का छोटा आर हो जाएगा, तो ये पाई हम बाहर ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर स्क्वायर भी लगेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने आर प्लस आर आर माइनस आर रख करके सॉल्व कर दिया, ये हमारा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, 3/4 4/5 5/6 और 6/7 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें, लघुत्तम समावर्त ज्ञात करें। तो देखिएगा कभी भी अगर भिन्नों का लासा पूछा जाए, कभी भी देखिएगा, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप एक बात याद रख लीजिएगा, भिन्नों का लासा जब होता है तो यहाँ पर अगर लासा पूछा जाए तो वहाँ पर एक सूत्र बन जाता है, आपको अंशों का लासा ले लेना है और बटे में हरों का मासा, हरों का क्या ले लेना है, मासा। तो भिन्नों के अंशों का लासा और हरों का मासा जब लासा पूछा जाए,
तो तीन चार पाँच छः का अगर लासा लोगे, तीन चार पाँच छः का लासा लोगे तो यहाँ पर लासा हो जाएगा आपका, छः से देखेंगे तो छः एकम छः, छः दूनी बारह, छत्तीस अठारह, छः चौक चौबीस, छप्पन छत्तीस, छः चौक छत्तीस, छः सत्तर बयालीस, छः अड़तालीस, छः में चौवन, छः उदम साठ, साठ को ले लो। अब ये दी गई सभी संख्याएं इससे कट, सभी संख्याएं इसको काट देंगी, छः उदम साठ, बारह पंच साठ, पंद्रह चौको साठ और बीस तीय साठ, तो लासा हो गया साठ। वो चार पाँच छः सात का मासा होगा एक, चार पाँच छः सात का मासा होगा एक, महत्तम समवर्तक एक होगा। तो अब लासा आया साठ बटे में एक, तो साठ एकम साठ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिक्सटी सी आंसर हो जाएगा। क्या याद रखना है, कभी भी भिन्नों का अगर लासा पूछा जाए, भिन्नात्मक संख्याओं का, तो अंशों का लासा और हरों का मासा कर दिया जाता है, वही हमारा आंसर होता है। तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में है, 15,000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमसे एक बार कक्षा, जब मैं इंटर पास करके पढ़ाने लगा था तो वहाँ पर मुझे कक्षा सात में पूछा गया था, कक्षा सात में पूछा किसी बच्चे ने नहीं था, वहाँ जो पहले से टीचर पढ़ाते थे उन टीचरों ने हमें फंसाने के लिए यही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चनों का मतलब ये डिजिट डिजिट सेम नहीं होंगी, लेकिन क्वेश्चन का तात्पर्य यही था कि भिन्नों का लासा कैसे निकाला जाए, तो भिन्नों का लासा ऐसे निकाला जाता है, ठीक। 15,000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, देखिएगा भाई, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है, तो आप इसके लिए एम एस रूल याद रखेंगे हमेशा, ए बराबर के पी वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, तो लगाना ही नहीं है। देखिएगा, 15,000 रुपए ये मूलधन दिया है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो सवाल को दर से उठाइए, दर को तुरंत मन में 100 में जोड़ दीजिए, तो ये 110 हो जाएगा, और 110 बटे 100 गिरेगा परसेंटेज का, और जितने वर्षों का पूछा जाए उतनी पावर लगा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 11 बटे 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 11 121 दसम 100 हो गए। अब एक बात सुनो, ये मिश्रधन और मूलधन का अनुपात होता है, अर्थात मिश्रधन बटे मूलधन, मिश्रधन और मूलधन का अनुपात होता है, मिश्रधन और मूलधन का अनुपात होने के कारण अगर हमें यहाँ पर अमाउंट ज्ञात करना होता, मिश्रधन ज्ञात करना होता, तो हम यहीं पर किसका गुणा करा देते, मूलधन की राशि का, और अगर हमें यहीं पर ब्याज ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को घटा लेंगे एक बार ए माइनस के पी, क्या करेंगे ए माइनस के पी, तो 121 में से 100 गए कितने बचे, 21 बटे 100। अब मूलधन की राशि का गुणा करा देंगे, मूलधन की राशि है 15,000, तो दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, एक जीरो, 15 एकम 15 दूनी 30 और 1 31, तो करेक्ट आंसर आपका ब्याज हो जाएगा 3,150, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज क्लियर। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए और आपको दर दी गई हो, तो आपको कभी भी बेसिक पद्धति का पालन नहीं करना है, एमएस रूल के मुताबिक मन ही मन में दर को 100 में जोड़ दीजिए और बटे में 100 गिरा दीजिए, और जितना समय दिया उतनी पावर लगा दीजिए, पावर करने के बाद जो आपका वर्ग बने तो वर्ग, घन बने तो घन, ये करने के बाद आपको क्या करना है, इन्हीं अंश और हर को आपस में घटा लेना है, तो आपका घटा हुआ मान आया 21, तो 21 ऊपर रख दो, नीचे जो संख्या थी वही रख दो, यही पर मूलधन का गुणा करा दो, वही हमारा आंसर होता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, यदि 20 आदमी 20 काम 20 दिन में करते हैं, तो एक आदमी एक काम कितने दिन में करेगा, देखिए कि कितना अच्छा सवाल है, कई स्टूडेंट तो इस सवाल को तुरंत छोड़ देंगे, आपको सवाल नहीं छोड़ना है, हम आज से आपको बता दे रहे हैं, एमएस रूल के मुताबिक एक बात इसमें मिलेगी आपको, ये सूत्र तो हालांकि किताबों में मिल जाएगा, M1 D1 बटे W1 बराबर के M2 D2 बटे W2। अब कभी कभी याद किए हुए हम लोग सूत्र भूल जाते हैं, भूलना एक स्वाभाविक गुण है, तो देखिएगा यहाँ पर 20 आदमी 20 काम 20 दिन में करते हैं, अब एमएस रूल के मुताबिक एक बात का रट्टा मार लीजिए जो कहीं पर किताबों में नहीं लिखा होता, काम को हमेशा नीचे ही रखा जाता है, ये स्ट्रॉन्ग बात मजबूत कर लीजिए, सूत्र कभी भी भूल जाओ तो काम को हमेशा नीचे रखा जाएगा, तो काम आपका इधर उधर कभी नहीं जाएगा, तो यानी कि W1 W2 जो होते हैं हमेशा काम बटे में ही रखा जाता है, ऐसे याद कर सकते हो, तो M1 का मान यहाँ पर दिया है 20 आदमी, वो 20 दिनों में वो 20 ही काम है,
तो काम सेम बना रहा है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज भी करता है। ये ऐसे क्वेश्चन भी बनता है, छह चूहे छह सांप छह चूहे छह दिन में खाते हैं, तो छह चूहे खाना काम है। इसी तरह से यहाँ जो काम है वो 20 काम है, वो काम को हमेशा बटे में रखा जाता है, तो 20 गुणित 20 बटे 20। अब एक आदमी एक काम, एक आदमी एक काम, तो एक आदमी एक काम दे दिया, एक आदमी एक काम, काम बटे में रखा जाएगा, एक रख दिया। काम कितने दिनों में करेगा, D2 का मान पूछा है, एक 20 से 20 खत्म हो गए, त्रिया गुणा करोगे तो एक का किसी भी राशि में गुणा करने पर वही मान प्राप्त होता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 20 दिन में, तो आंसर हो जाएगा C। दैट इज क्लियर। चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।